बिहार में लगातार सियासी जंग जारी है। बिहार में नीतीश लालू का गठबंधन टूट गया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश रविवार सुबह 10 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके साथ वे नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जेडीयू और कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। नीतीश राज्यपाल से कल ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने को कहेंगे। पार्टी सूत्रों का दावा है कि नीतीश 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ लेंगे। इधर पटना में राजद की बैठक के दौरान तेजस्वी ने दावा किया कि असली खेला होना अभी बाकी है। नीतीश हमारे आदरणीय थे और रहेंगे। जो काम 2 दशकों में नहीं हुआ वह हमने कम समय में कर दिखाया। लालू ने आपको बता दे चले अपने मंत्रियों से कहा है कि इस्तीफा नहीं देना है। वही दिल्ली से पटना पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिंह ने कहा कि दुनिया ने मोदी का सुशासन देखा, अब बिहार की जनता भी मोदी का सुशासन देखना चाहती है। नीतीश कुमार के सभी विधायकों को सीएम हाउस बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को सीएम हाउस बुलाया। शाम 7 बजे से पहले सभी को मुख्यमंत्री आवास आने का निर्देश दिया गया। बिहार सरकार में कांग्रेस खेमे के मंत्री आफाक आलम ने कहा, नीतीश कुमार जनता के लिए नहीं सोचते, वाइधर से उधर पलटी मार रहे। पूरिया में बिहार कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। रविवार को विधानमंडल दल की बैठक होगी। तेजस्वी के आवास पर आरजेडी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। बैठक में लालू यादव ने सभी विधायकों को पटना में रहने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सुख दुख में सब साथ रहे हैं। हम लोगों ने जब आप लोगों को बुलाया, आप एकजुट होकर आए। लालू के संदेश को जन जन तक पहुंचाइए, सरकार नहीं छोड़नी है, किसी को इस्तीफा नहीं देना। तो आपको बता दें चले लगातार बिहार में सियासी जंग जारी है। नीतीश लालू का गठबंधन टूट गया है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है, नीतीश रविवार यानी कल 10 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा वापस करेंगे, सौंपेंगे, रेजिग्नेशन लेटर देंगे। इसके साथ वो नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।